दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन से प्लान के, और इस प्लान में दोस्तों छः बेडरूम बने हुए हैं, 6 बेडरूम बने हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्र का प्लान है तो इनको आगे एक बारंदा भी चाहिए था, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को बनाया है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिनका नाम था लेख राज मीना, इनके अकॉर्डिंग इस घर को मैंने बनाया है। ये बरवाशन करौली राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था व्हाट्सअप पर, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया है। मैं लेख राज मीना से भाई साहब से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारा वीडियो पसंद कर रहे हो, अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हो, तो अपने यार दोस्त जितनी फ्रेंड हैं उनको भी सजेस्ट करिएगा। हम आपको जेन्युइन वर्क करके देते हैं और आप पूरा डिटेल के साथ वीडियो बना कर देते हैं। तो जो भी राजस्थान करौली राजस्थान से हमारे लेख राज मीना साहब हैं उनके लिए ये वीडियो मैं समर्पित करता हूँ। तो चलो इस वीडियो को हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, इसलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा मॉडल होने वाला है, काफ़ी बड़ा प्लान था इनका, 30x55 30x55 फीट में अप्रॉक्स इनका मॉडल पूरा बना हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत पिलर वगैरह का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। बारंदा जो कि 5 फीट का बारंदा है लगभग, में मैंने उनको सारा 2D प्लान वगैरह दे रखा है, ये 3D प्लान उनको देना बाकी था, तो वो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। और मैं आपसे अनाउंसमेंट दोस्तों करना चाहता हूँ कि मैंने एक अपना वेबसाइट भी शुरू किया है जिसका नाम है smallhouseplan.com। देख सकते हैं ये लिंक, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं जितने भी मॉडल यहाँ YouTube पर आप लोगों को बताता हूँ वो सारे मॉडल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, सारा देख सकते हैं, सारे मॉडल यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप जाकर इन्हें पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हाउस बनवा सकते हैं। यहाँ पर इसका 2D प्लान वगैरह, देखिए ये मॉडल मैं बात करूँ जो ये मॉडल यहाँ पर क्रिएट किया है, इसको भी यहाँ पर मैंने डाल रखा है, तो इसका 2D प्लान वगैरह अगर आप चाहते हैं तो जाकर यहाँ से ले सकते हैं, या आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे प्लान हैं, आप लिंक याद रखिए smallhouseplan.com, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं आज के प्लान का, तो ये मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ फ्रंट एलिवेशन। ये दोस्तों आगे बारंदा है, फ्रंट में ग्रिल वगैरह बना हुआ है बेहतरीन तरीके से, साइड में इनका तीनों साइड क्लोज्ड मकान है जो कि फ्रंट में इनको घुमटी छत पर मैंने इनको घुमटी की स्टेयर्स को ढकने के लिए बना कर दिया है। बात करते हैं इनके ग्राउंड फ्लोर की, ये ओवरऑल इनका ग्राउंड फ्लोर है, तो ये दोस्तों इनका ओवरऑल ग्राउंड फ्रंट है पूरा, देख सकते हैं ग्राउंड फ्रंट, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इनका स्टेयर से इधर से चढ़ना स्टार्ट होगा, तो 4 पिलर पर पूरा बारंदा 5 फीट का टिका हुआ इसका, जैसे आप आगे जाएंगे ना तो ये आपको एक पोर्च टाइप का डिजाइन, और लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको बेडरूम देखने को मिलते हैं, इस वजह से मैंने विंडो भी दिया है वेंटिलेशन के लिए, देख सकते हैं। इस रूम में जाने के लिए यहाँ से डोर मैंने एक दिया है बाहर से भी, इसमें भी बाहर से एक डोर दिया है, आप इस रूम के थ्रू जब अंदर एंट्री कर जाएंगे तो आप इससे अंदर भी जा पाएंगे, हालांकि मेन डोर ये है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, अंदर जाते ही आपके सामने ये स्टेयर्स मिल जाती है, टर्न होकर आप वापस जाएंगे। अब देखिएगा इस बेडरूम और आगे वाले जो बेडरूम थे उनमें मैंने अंदर से भी डोर दिया, अगर आप नहीं देना चाहते तो इन्हें हटा सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसके बाद ये एक बेडरूम देखने को मिलता है, ये डोर और ये विंडो वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद फिर से आपको एक बेडरूम देखने को मिलता है, ये इनको 2 किचन चाहिए थी दोस्तों, तो ये 2 किचन मैंने यहाँ पर बनाकर दी है। सबसे पीछे की बात करें तो इनको बड़े बड़े से 2 बेडरूम चाहिए थे हॉल टाइप के, तो ये दोनों हॉल टाइप के दिए हैं। इनके वेंटिलेशन की बात करें तो आपको बीच में जाल रखवाना होगा तभी प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाएगा। इनकी ये रिक्वायरमेंट थी तो 3 बेडरूम इधर, एक ये 4 बेडरूम और 2 हॉल, तो टोटल 6 बेडरूम के साथ ये मॉडल बनकर आपका रेडी हो जाता है। तो आप देख लें बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ लें, और उसका 2D प्लान हालांकि मैं उन्हें दे चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ। जो प्लान इनको इन्होंने बनवाया था 30x55 30 फिट इसका फ्रंट है, 55 फिट इसकी गहराई है, लंबाई की बात करें। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो हम फर्स्ट फ्लोर पर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, ये ग्रिल का डिजाइन, इधर विंडो, बीच में गणेश भगवान का फोटो, ये जो आपकी स्टेयर्स थी उसको ढकने के लिए गुमटी पूरा बना दिया है, आप छत पर पहुंच पाएंगे। तो ये ओवरऑल बेहतरीन सा मॉडल 30x55 फिट में बनकर रेडी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों ये हमारी पेड सर्विस है, आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको 50% पेमेंट पहले करना होगा, 50% बाद में करना होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। जब आपकी हमसे बात हो जाए तभी आप हमें पेमेंट करें, अन्यथा पेमेंट बिल्कुल ना करें। मेरा नंबर है जो कि व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।